हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th की ज्योग्राफी का, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है और हम इसे हैंड रिटन नोट्स के साथ करेंगे। बुक की एक एक लाइन आपको कवर मिलेगी। इसको देखने के बाद आपको बुक भी कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलो जी अपना चैप्टर शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि SST के जितने भी चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। और साथ में मैं हर एक चैप्टर के पर्टिकुलर MCQ भी अपलोड कर चुका हूं। आपको 100 से ज़्यादा MCQ मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के, जिसमें अजर्शन और रीज़न इंक्लूड होंगे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूड होंगे और साथ में आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, और इसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट भी आप जाकर देख सकते हो। ओके, तो चलो जी बकवास बहुत हो गई, अब करते हैं अपना चैप्टर शुरू। तो चैप्टर का नाम है जी वाटर रिसोर्सेज। हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। तो आपको पता है वाटर क्या है? एक रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? हमने अपने चैप्टर नंबर 1 में देख ही लिया था कि जो भी हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, दैट इज़ रिसोर्स। वो टेक्निकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वो भी है। बट आपको पता है अभी नॉर्मल एक नॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है। आपको पता है कि वाटर क्या है? वो भी एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है। पीने के लिए तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, साथ में डोमेस्टिक वर्क में, मतलब घर के काम करने में भी, इंडस्ट्रियल वर्क में भी, फैक्ट्री वगैरह में भी यूज़ होता है पानी का, और साथ ही में एग्रीकल्चर में, खेतों में भी यूज़ होता है। तो इसीलिए जो वाटर है वो एक रिसोर्स है हमारे लिए। ठीक है, चलो अब वाटर कौन सा रिसोर्स है? वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसका मतलब वो बार बार बनता है। आपको पता है एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब क्या होता है? पानी है वो पहले भाप बनेगा, है ना, इवेपोरेशन होगा, फिर बादल बनेंगे, फिर बादल एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, फिर प्रेसिपिटेशन होगा यानी बारिश होगी, रेन होगा, प्रेसिपिटेशन को रेन कहते हैं, तो रेन होगी, है ना। तो ऐसे साइकिल चलती रहती है, तो पानी बार बार रिन्यू होता रहता है। तो पानी क्या है? वाटर क्या है? हमारे एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो चलो अब आपको पता चल चुका है कि पानी जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, और पानी जो है वो हमारी नीड को सेटिस्फाई भी करता है। ओके, और हमारे पास पानी भी बहुत है, है ना। तो आपको पता ही है, आप अगर कभी अर्थ देखोगे हमारा, तो उसमें ग्लोब में आपको देखेगा ज़्यादातर जो होता है वो ब्लू एरिया कवर होता है, यानी हमारे अर्थ पे तो पानी पानी है, है ना। हमारे अर्थ पे 3/4 जो है वो अर्थ का सरफेस जो है वो पानी से कवर होता है। पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी बार बार, है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि जी पानी की किल्लत हो जाएगी, देखना थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी की वजह से होगा। इसका क्या मतलब है? आप कभी कभार सोच में पड़ जाते हो, यार हमारे पास तो पानी इतना है कि अगर कोई मरना चाहे तो, पूरी दुनिया भी मरना चाहे तो उनके लिए भी पानी जो है वो सफिशेंट है, वो डुबकी मार के आराम से मर सकते हैं। बट फिर भी कुछ लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि जी पानी जो है वो ख़त्म होते जा रहा है, पानी जो है वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को पानी नहीं मिलेगा और थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी की वजह से होता है। वो पता है ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास, हमारे अर्थ पे पानी तो बहुत है, बट जो पीने लायक, जो फ्रेश वाटर है ना, वो बहुत कम है। ठीक है, कितना कम है वो मैं आपको बताऊंगा, बट पहले तो फ्रेश वाटर का मतलब समझ लेते हैं। जो हमारा 3/4 तो वाटर है अर्थ की सरफेस पे, है ना, उसको हम पी नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उसको करने से, पीने से, उसको कंज्यूम करने से हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है, डिहाइड्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो कुछ ही पानी है हमारे अर्थ पे, बहुत कम प्रपोर्शन में वो वाटर है, स्मॉल प्रपोर्शन में वाटर है जो हमारे लिए यूज़फुल है। ठीक है, कितना परसेंट? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे अर्थ पे सिर्फ 3% ऐसा पानी है जिसे हम पी सकते हैं, जो कि फ्रेश है। अब मेरी बात सुनना, उस 3% में से भी जो 2.5% वाटर है ना, वो क्या है? या तो वो ग्लेशियर्स में, पहाड़ों पे बर्फ़ बन के जमा हुआ है, ठीक है, पोलर आइस है, या तो एटमोसफेयर में है, या सॉइल है, या अंडर वाटर है, या वो पॉल्यूटेड है। साफ तो है वो पानी, बट वो पॉल्यूटेड है। तो आप देख रहे हो 2.5%, यानी 3% पानी है पीने लायक, उसमें से भी 2.5% वाटर जो है वो लॉक्ड है ग्लेशियर्स वगैरह में और ये सारी की सारी जगह पर। तो बचा हुआ कितना? सिर्फ और सिर्फ 0.5%, यानी 0.5% जो अर्थ का वाटर है वो अवेलेबल फ्रेश वाटर है, बाकी अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, 100% लोगों के लिए पूरे अर्थ का 0.5% वाटर। तो अब आपको समझ आया ना कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि पानी ख़त्म हो जाएगा। तो जब लोग बोलते हैं ना कि पानी की किल्लत है, पानी की स्कार्सिटी है, तो स्कार्सिटी का मतलब आप समझ गए ना, स्कार्सिटी का मतलब बेसिकली होता है किल्लत। तो पानी की किल्लत, जब कोई बोलता है ना पानी की किल्लत है, पानी की स्कार्सिटी है, तो वो सारे पानी की बात नहीं करता, वो उस पानी की बात करता है जो कि क्या है, जो
फ्रेश वाटर है। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर की किल्लत है। पानी तो बहुत है बट फ्रेश वाटर की किल्लत है और उसी को हमें यूज़ करना है ना। तो हमें बाकी ओशन के वाटर से क्या मतलब, हमें जिस पानी का हम यूज़ ही नहीं कर सकते उसके बारे में बात करने से क्या फ़ायदा। तो एक्चुअल में जिस वाटर का हम यूज़ कर सकते हैं वो बहुत ही कम परसेंटेज में है। ओके जी, आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। तो देखो यही लिखा हुआ है कि 3/4 जो वाटर है अर्थ का, मतलब अर्थ पे जितना भी अर्थ के सरफेस का 3/4 यानी ऑलमोस्ट 75% जो है अर्थ वो पानी से कवर्ड है, बट बहुत ही स्मॉल पोर्शन जो है वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर जो है वो या तो नदी वगैरह में हमें देखने के लिए मिलता है या ग्राउंड वाटर है। बट वाटर की एक अच्छी खासियत है, वो क्या है, रिन्यूड है यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, रिचार्ज होते रहता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसे वाटर साइकिल बोलते हैं, मैं आपको बता चुका, इवेपोरेशन होता है, बादल बनते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, बारिश होती है जिसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। ओके, तो अब देखो वही मैंने आपको क्वेश्चन बताया है कि 3/4 ऑफ अर्थ जो है वो कवर्ड है वाटर से, बट फिर भी, और वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है, दोबारा दोबारा भी बनता है, बट फिर भी बहुत सारे एरिया में क्या है, हमें वाटर स्कार्सिटी देखने के लिए मिलती है, पानी की किल्लत देखने के लिए मिलती है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे 3% है और उसमें से भी 2.5% जो है वो लॉक्ड है, पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई है, एटमॉस्फेयर में है, पोलर आइस है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पीने वाला जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो सिर्फ 0.5% है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया ना। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि 2025 यानी अभी कुछ ही टाइम रह रहा है, उस टाइम तक क्या होगा, 2 बिलियन लोग ऐसे होंगे जिनके पास पानी जो होगा वो नहीं होगा, वो वाटर स्कार्सिटी में रहेंगे, पानी की किल्लत उनको झेलनी पड़ेगी। 2 बिलियन जानते हो आप कितना है, इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसमें भी 50 मिलियन ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट हमारी पॉपुलेशन से भी ज़्यादा। तो आप सोच सकते हो कितने ज़्यादा लोगों को वाटर स्कार्सिटी फेस करनी पड़ेगी, पानी की किल्लत फेस करनी पड़ेगी। कौन से पानी की किल्लत फेस करनी पड़ेगी? फ्रेश वाटर की किल्लत फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसमें जो हैं वो इंडिया के लोग भी होंगे, इंडिया के लोगों को भी वाटर स्कार्सिटी फेस करनी पड़ेगी। अब जब मैं बोलता हूँ ना कि इंडिया के लोगों को वाटर स्कार्सिटी फेस करनी पड़ेगी, तब है ना मैक्सिमम लोगों के दिमाग में क्या आता है, एक ही स्टेट आता है, दैट इज़ राजस्थान। एक्चुअल में राजस्थान के अलावा भी बहुत सारे एरिया है जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि वेस्ट बंगाल का एक ऐसा एरिया जहाँ पर बाढ़ आई है और वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी है, पानी की किल्लत है, तो आपको सुन के अजीब सा नहीं लगेगा? आप ये नहीं सोचोगे यार सर ये क्या बोल रहे हो, बाढ़ आई है, पानी है, बट एक्चुअल में बात तो वही आ गई ना, बाढ़ का पानी हम पी नहीं सकते। क्या पता उस एरिया में बहुत ज़्यादा फैक्ट्री हो तो उसका बहुत ज़्यादा जो भी केमिकल वगैरह हो उस पानी में मिल गया हो, और वैसे भी वो कंटेमिनेट है वाटर, है ना, तो उसको हम पी तो नहीं सकते। जैसे आपकी बुक के अंदर है ना एक पिक्चर बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये पिक्चर देख रहे हो आप, ये बच्चा है ये हमारा दोस्त, तो देखो एक लाइन क्या लिखी हुई है कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब ये कोलकाता की पिक्चर है, ये बच्चा पानी कलेक्ट कर रहा है और ये घुटनों तक पानी में डूबा हुआ है, समझ रहे हो। बट ये कौन सा पानी कलेक्ट कर रहा है, ये फ्रेश वाटर कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि पीने का पानी नहीं है। पानी तो बहुत है, इतना पानी है कि घुटनों तक पानी आ रखा है इसके, बट पीने का वाटर नहीं है। तो आपको समझ आया ना कि ऐसे भी स्टेट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है बट फिर भी वो वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है, जिन बच्चों ने 9th क्लास पढ़ी हुई होगी अच्छे से, मेरे से पढ़ी हुई होगी तो उनको पक्का पता होगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो मौसनराम में होती है, मेघालय के अंदर जगह है, और उसी के कुछ 50-55 किलोमीटर के एरिया में भी वाटर स्कार्सिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं है पानी साफ पानी नहीं है, और इसी की वजह से वहाँ पर भी रूफ टॉप हार्वेस्टिंग होती है, यानी छतों पे पानी को सेव किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर दी वाटर कंजर्वेशन एंड दी मैनेजमेंट। यानी पहले तो वाटर स्कार्सिटी है, तो आपको पता चल ही चुका है कि वाटर स्कार्सिटी जो है क्या होती है, पानी की किल्लत को वाटर स्कार्सिटी कहते हैं। और जब मैं वाटर स्कार्सिटी की बात करता हूँ तो लोगों को लगता है जो वाटर स्कार्सिटी है, वाटर स्टोरेज है, वो सिर्फ उसी एरिया में आता है जहाँ पर लो रेनफॉल है, जैसे डेजर्ट और राजस्थान वाला एरिया। ये एक हद तक सही भी है, हाँ ये बात सही है कि राजस्थान में जो एरिया है जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी है, पानी की किल्लत है, बट सिर्फ वहीं पानी की किल्लत है ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर पानी तो है बट पानी की फिर भी किल्लत है, साफ पानी की किल्लत है, ठीक है। अच्छा ये पानी की किल्लत होती क्यों है, वाटर स्कार्सिटी हो क्यों रही है, पानी की किल्लत हो क्यों रही है, फ्रेश वाटर धीरे धीरे ख़त्म क्यों होता जा रहा है, तो उसके कुछ रीज़न है। जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, पानी को क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब पानी को बेकार कर रहे हैं,
ठीक है, एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वाटर का डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप में, मतलब कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है वो पानी को वेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोगों को बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा, तो जिनको बिल्कुल ही पानी नहीं मिल रहा उनके लिए वाटर स्कार्सिटी हो रही है। अभी मैं समझाऊंगा इसका मेरे कहने का मतलब क्या है, कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है, कुछ लोगों को पानी नहीं मिल रहा, ये भी है इंडिया में होता है ये, मैं आपको समझाऊंगा कैसे, ठीक है। तो यही लाइन लिखी हुई है ऊपर भी कि कुछ कुछ एरिया, हाँ ऐसी बात, ये बात सही है कि जिस जिस एरिया में पानी यानी बारिश कम होती है वहाँ पर तो पानी की किल्लत है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे एरिया है जहाँ पर बारिश मतलब बाढ़ वगैरह आने की संभावना हो जाती है, बट फिर भी वहाँ पर फ्रेश वाटर की किल्लत है, ठीक है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई हो कि जब कोई वाटर स्कार्सिटी बोलता है ना तो उसका मतलब पूरी दुनिया का सारा पानी नहीं है, उसका सिर्फ फ्रेश वाटर रिजर्व से उसका मतलब होता है, ठीक है। चलो, वाटर स्कार्सिटी क्यों होती है, पानी की किल्लत क्यों होती है, ये तो मैंने ऊपर सिर्फ इतना बता दिया कि पानी का ओवर यूज़ हो रहा है, एक्सेस यूज़ हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी हो रही है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से देख लेते हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देख लेते हैं इसके, रीज़न फॉर वाटर स्कार्सिटी। तो पहला रीज़न पता है क्या है, पहला रीज़न है जी पॉपुलेशन, ठीक है। पहले क्या होता था कि एक एरिया में कम लोग रहते थे तो उनके लिए पानी जो है वो सफिशेंट होता था, बट अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है एक टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी मे बी द आउटकम ऑफ अ लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंट ग्रेटर डिमांड फॉर दी वाटर एंड दी अनइक्वल एक्सेस टू इट, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो लोग अमीर हैं उनको तो पानी मिल जाएगा, जो लोग गरीब हैं उनको पानी नहीं मिलेगा। अब देखोगे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, मतलब बिल्कुल एक दो किलोमीटर का एरिया, एक जो है वो बिल्कुल पोर्श एरिया है जहाँ पर 24 घंटे पानी आता है और बाकी एरिया में पानी ही नहीं आता, ऐसे भी एरिया है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अमीर लोग तो अपना जुगाड़ कर लेते हैं, गरीब लोग नहीं कर पाते, तो ये पहला रीज़न है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भी, है ना। नेक्स्ट रीज़न क्या है, ऑब्वियस ही बात है जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको फूड भी चाहिए होगा, और फूड के लिए क्या करना पड़ता है, हमें खेती करनी पड़ती है, और जब खेती होती है तो खेती के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और जब इरिगेशन करी जाती है ना तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर ओवर इरिगेशन करी जाती है। ओवर इरिगेशन का मतलब पता है ना, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा कि ओवर इरिगेशन से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं, ठीक है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। इससे क्या होता है कि पानी का नुकसान तो होता ही होता है, बट मैं आपको बता दूं इससे लैंड भी डिग्रेड होता है। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि वाटर लॉगिंग की वजह से भी वो थोड़ा सॉल्ट टेक्सचर जो है वो मिट्टी में बढ़ जाता है, इसकी जगह इसकी वजह से वाटर जो है वो उस मिट्टी को भी डिग्रेड कर देता है, ठीक है, अगर ज़्यादा ही एक्सेस पानी डाला जाता है तो। देखो इससे अगर ज़्यादा पानी डालते हैं तो इससे भी वाटर जो है वो क्या होता है, वेस्ट होता है, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम ज़्यादा पानी डाल के, है ना। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये तो दो रीज़न हो गए, एक तो पॉपुलेशन बढ़ना, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा पानी यूज़ करना, तो इससे भी क्या हो रहा है, हमारा वाटर जो है वो धीरे 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 स्कार्स बन रहा है बहुत सारे एरिया में। और एक तीसरा रीज़न है, पोस्ट इंडिपेंडेंट में इंडिया ने ना इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है वो विटनेस किया था। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम आज़ाद हुए थे ना तो हमने अपना डेवलपमेंट करने के लिए फैक्ट्री लगाना शुरू किया, और धीरे धीरे क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, लोग गांव से निकल कर शहरों में आने लगे और गांव का एरिया भी धीरे धीरे शहर बनने लगा जैसे जैसे वहां पर फैक्ट्री बनने लगी। तो इससे एक अच्छी बात तो हुई, लोगों को अपॉर्चुनिटी तो मिली, लोगों को जॉब्स तो मिली, बट इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई फ्रेश वाटर रिजर्व पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी और अर्बनाइजेशन हो रहा था तो पानी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने वाटर जो हमारा फ्रेश वाटर रिजर्व है ना उस पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ा, ठीक है, और इसी की वजह से पानी की किल्लत हुई। बोला जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पानी की किल्लत हो रही है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्टली तो पानी का यूज़ करती है बट साथ में वो इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करती है जो कि पानी से ही बनती है। ये बात आपको पता है ना, पानी से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ये बात भी शायद आपको पता होगी। मैं आपको बता दूं, पूरे हमारे इंडिया के अंदर जो 22% जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो एक्चुअल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से ही बनती है। अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है, आपने डैम सुना होगा, मैं आपको बताऊंगा डैम। चलो मैं आपको पहले दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि डैम होते क्या है, ठीक है। तो डैम से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ये देखो ये दिख रहा है, एक्चुअल में ना इनमें टरबाइन लगा हुआ होता है, टरबाइन मतलब वो एक चरखरी सी लगी होती है, चरखरी तो चलो 15 अगस्त है इसलिए बार बार चरखरी याद आ रही है, तो मतलब एक व्हील लगा होता है एक तरह से, वो पानी के प्रेशर की वजह से घूमता है और फिर उसके घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है,
ठीक है। तो पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो भी इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है ना। तो आपको समझ आ गया ना। तो इंडस्ट्री को डायरेक्ट तो पानी मतलब जो है वो सपोर्ट करता ही करता है, इनडायरेक्टली भी, मतलब इनडायरेक्टली जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो भी फैक्ट्रीज में यूज़ करी जाती है। चलो ये तो आपको समझ आ गया ना कि कैसे वाटर स्कार्सिटी हो रही है। तो वाटर स्कार्सिटी का मेन रीज़न क्या है? पॉपुलेशन, फिर फूड यानी एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन। ठीक है, अब एक बात करते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में। ठीक है, देखो एक बात मैंने आपको बताई थी कि कुछ एरिया है जहाँ पर क्या है, सफिशेंट वाटर है, सफिशेंट वाटर अवेलेबल है, फिर भी वहाँ पर जो लोग हैं वो क्या है, वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं। अब ये सुनने में वैसे तो आपको पता चल ही चुका है कि बहुत सारे एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पर पानी है बट फिर भी पानी की स्कार्सिटी है। कौन से पानी की स्कार्सिटी है? सारे पानी की स्कार्सिटी नहीं, फ्रेश वाटर की स्कार्सिटी है। अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया ना कि फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है, है ना। तो देखो पहली लाइन यही लिखी है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में कि एरिया जहाँ पर, एरिया वेयर द वाटर इज सफिशिएंट अवेलेबल टू मीट द नीड ऑफ द पीपल बट द एरिया इज स्टिल सफर फॉर द वाटर स्कार्सिटी। मतलब लोगों की नीड पूरी हो सकती है, इतना पानी है, बट फिर भी वाटर स्कार्सिटी है। कैसे? क्योंकि दी स्कार्सिटी मे बी ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ द वाटर। पानी तो है बट वो पीने लायक नहीं है, जैसे कि मैंने बताया आपको ऊपर उस दोस्त की फोटो दिखाई थी, है ना, जो कि हमारे कोलकाता के अंदर है। कोलकाता के अंदर तो है वो घुटने तक पानी के अंदर डूबा हुआ है, फिर भी उसको पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो साफ पानी नहीं है, वो उस घुटने तक जिस पानी के अंदर है वो उसे पी नहीं सकता। ठीक है, और यही भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कंसर्न दैट इवन देर इज एम्पल वाटर टू मीट द नीड ऑफ द पीपल, मच ऑफ इट मे बी पॉल्यूटेड बाई द डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर यूज इन एग्रीकल्चर, दस मेकिंग इज मतलब हजार्डस टू दी फॉर दी ह्यूमन यूज। इसका मतलब है कि पानी तो है बट वो पानी पीने लायक नहीं है। क्यों पीने लायक नहीं है? वो पॉल्यूट हो गया है डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर। जो कि खेतों में फर्टिलाइजर डालते हैं वो भी तो केमिकल है, उससे भी पानी जो है वो खराब हो रहा है। ठीक है, और वो हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। जिसका एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको, गंगा और यमुना। ठीक है, गंगा और यमुना का पानी जो है माँ की कसम बहुत ही गंद कर रखा है लोगों ने। ठीक है, लोगों ने मतलब लोगों से ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है हमारी फैक्ट्रीज़। ठीक है, वो फैक्ट्रीज़ क्या करती है, अपना केमिकल जो है वो डायरेक्टली, जो भी केमिकल वेस्ट निकलता है वो डायरेक्टली गंगा और यमुना में डंप कर रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है। ठीक है, इसीलिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या करें, पानी को कंजर्व करें, फ्रेश वाटर को कंजर्व करें, उस फ्रेश वाटर रिजर्व को मैनेज करें, बचाएं। तो यही लाइन लिखी हुई है कि द नीड ऑफ द आर इज़ टू कंजर्व एंड द मैनेज आर वाटर रिसोर्स। क्यों करना चाहिए जी मैनेज? सिंपल सी दी बात है, इससे लोगों की हेल्थ भी सही रहेगी, फूड सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। पानी बचाएंगे तो बहुत सारे एरिया तो इंडिया में ऐसे भी हैं जहाँ पर खेती नहीं हो पा रही क्योंकि पानी नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कभी बारिश नहीं आती तो बंदा मतलब फार्मर की ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उनको सुसाइड तक करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एक तो इतना सारा लोन ले रखा होता है, ऊपर से पूरी की पूरी जो वो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो कि आज भी प्रिमिटिव फार्मिंग करते हैं। ये आपको चैप्टर नंबर 4 में पता चलेगा प्रिमिटिव फार्मिंग क्या होता है। तो वो करते हैं जिसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट पर डिपेंड रहते हैं, वो पूरा एनवायरनमेंट पर डिपेंड रहते हैं, तो बारिश के लिए पानी के लिए भी डिपेंड रहते हैं। क्योंकि पानी नहीं आता, उन पर इरीगेशन सिस्टम का कोई फैसिलिटी नहीं है, इसकी वजह से वो खेती नहीं हो पाती। ठीक है, पर्सनली तो नुकसान होता है बट ऐसे देश का भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आर नेचुरल इकोसिस्टम। अगर हम पानी को कंजर्व करेंगे, बचा के रखेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं नेचुरल इकोसिस्टम भी हमारा बचा रहेगा, है ना। ऐसे इम्बैलेंस नहीं आएगा हमारे अर्थ पे, कुछ एरिया पानी बहुत पानी है, कुछ एरिया में पानी नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। और नेक्स्ट है कि हमारा इकोलॉजिकल क्राइसिस भी बचा रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंसान तो चलो फिर भी देख लेगा, बहुत सारे एनिमल भी है जो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो वाटर की किल्लत की वजह से। जैसे पहले ना बहुत सारे ऐसे एनिमल मतलब जो ऐसे बर्ड्स थे जो इंडिया के अंदर माइग्रेट करते थे पानी के लिए, मतलब वो आते थे, मतलब एक वाटर रिजर्व होता था वहाँ पर आते थे। ठीक है, मतलब नेचुरली था वो, बट अब क्या हो रहा है, वहाँ से पानी ख़त्म तो उन्होंने दूसरी जगह माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया इंडिया छोड़ के। तो इससे इकोलॉजिकल क्राइसिस भी होता है, हमारे इकोसिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ओके, चलो जी ये हमें समझ आ गया। क्या इस प्रॉब्लम को, वाटर स्कार्सिटी को फेस करने के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हम कुछ कर रहे हैं? और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आता है, क्या आज ही से कुछ कर रहे हैं या अभी से कुछ करना स्टार्ट किया, या पहले से हम कुछ कर रहे थे इसके लिए? तो मैं अगर बताऊँ ना, तो एक्चुअल में आज नहीं, इंडिया में आज से नहीं, इन 100-200 सालों में नहीं, इंडिया में बहुत टाइम पहले से ही
वाटर रिसोर्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक कंसर्न था लोगों में, ठीक है। मतलब हमारे जो एंशियंट टाइम में भी लोग जो थे उनको पता था कि पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने पानी को कंजर्व करना शुरू किया था, ठीक है। चलो इसी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। मैं बता दूँ, बुक का एक एक टॉपिक कवर करवा रहा हूँ। एक्चुअल में सच बताऊँ तो एक एक लाइन कवर हो रही है आपकी, ठीक है। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब पहले तो मैं मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट बता देता हूँ क्या होता है। जब रिवर के वाटर को सेव किया जाता है, ठीक है, रिवर के पानी को जब सेव किया जाता है अलग अलग पर्पज़, आपको पता ही है पानी जो सेव हुआ वो तो अलग अलग पर्पज़ के लिए होता है ना। तो जो पानी को सेव किया जाता है इसी को कहते हैं मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। आज जो है मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट का मतलब आज के टाइम में डैम होता है, ठीक है। डैम का मतलब क्या होता है, डैम में आपको दिखाई चुका था रिवर के बीचों बीच वाले एरिया में ये बनाया जाता है। जैसे ये देखो, ये पूरा का पूरा था, तो इस रिवर के इसको सेव किया जाता है, यहाँ पर सेव कर लिया जाता है, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको इरीगेटेड, मतलब जो इरीगेशन के लिए क्या हो, खेतों पे भी भेजा जाता है, कैनाल्स वगैरह बनाई जाती है, उससे खेतों पर भेजा जाता है। तो डैम आज के टाइम में तो डैम होता है, ठीक है। डैम देखो, ये डैम की डेफिनेशन लिखी हुई कि अ डैम इज़ अ बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट एंड रिटार्ड्स द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर, रिजर्वायर लेक और इम्पाउंडमेंट, इम्पाउंडमेंट का मतलब एक एरिया जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाए, वैसे बना देता है डैम्स वगैरह, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ये इम्पाउंडमेंट हो गया जहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है, बना देता है। चलो आज के टाइम में तो ये हो रहा है, बट क्या पहले के टाइम में भी होता था पानी सेव करने के लिए कुछ? जैसे मैंने आपको बताया, हाँ पहले भी पानी सेव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती थी एंशियंट टाइम में भी। अगर मैं आपको बताऊं तो एंशियंट टाइम में जो आर्कोलॉजिकल है, मतलब आर्कोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि एंशियंट टाइम में भी हमने बहुत सारे ऐसे सोफेस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्रिएट किए थे जो कि डैम जैसे ही थे, पत्थरों से बनाए जाते थे, रिजर्वायर लेक्स, ठीक है, कैनाल्स और इरीगेशन, मतलब रास्ता बनाया जाता था खेतों में भेजने के लिए रिवर के वाटर को। ये सारी चीज़ें हम पहले भी करते थे। इंडिया की बात करेंगे हम बेसिकली कि इंडिया में क्या क्या किया जाता था। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशियंट इंडिया, मैं आपको बताऊं, फर्स्ट सेंचुरी BCE, पहले तो BCE का मतलब समझ लो, BC का मतलब क्या होता है, ठीक है। BC और BCE ऑलमोस्ट सेम ही बात है, ऑलमोस्ट क्या, सेम ही बात है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। माना जाता है कि जो क्राइस्ट है वो 1 सेंचुरी में पैदा हुए थे, ठीक है, 1 सेंचुरी में पैदा हुए थे, तो उनके आगे का टाइम क्या कहलाता है, AD कहलाता है, और उनके पीछे का टाइम क्या कहलाता है, BC कहलाता है। अब देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, मान लो ये जहाँ पर मैंने रख रखा है ये एरो, तो यहाँ पर मान लो हमारे क्राइस्ट पैदा हुए थे, ठीक है। अच्छा, क्राइस्ट को पैदा हुए कितने साल हो गए हैं, तो उनको ऑलमोस्ट 2100 साल हो चुके हैं, क्योंकि अभी हम 2021 में है, ठीक है, 2021 में है, तो इसका मतलब क्राइस्ट को पैदा हुए 2021 ईयर्स हो गए, ठीक है। और क्राइस्ट से पहले यानी मान लो उनका जन्म 0 में हुआ था, तो -500, तो हम उसको -500 नहीं कहते, हम उसको कहते हैं 500 BCE, यानी क्राइस्ट के जन्म से 500 साल पहले। तो यही बता रखा है कि फर्स्ट सेंचुरी BCE, यानी क्राइस्ट के जन्म से ऑलमोस्ट 100 साल पहले की बात बताए, तो श्रृंगावेरापुरा एक जगह है अलाहाबाद के पास, ठीक है, वहाँ पर क्या किया गया था कि सोफेस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया था, जहाँ पर क्या होता था, जो फ्लड वाटर होता था ना उसको मैनेज किया जाता था खेती वगैरह के लिए, हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता था, और उसको कहाँ पर जो गंगा का पानी होता था उसको बेसिकली अलग अलग एरिया में भेजा जाता था अलग अलग चैनल्स वगैरह के थ्रू या अलग अलग कैनाल्स वगैरह के थ्रू, ताकि वहाँ पर जो आसपास के जो खेत हैं उनको पानी मिल सके। तो देखो पहले भी हम करते थे, पानी को सेव किया जाता, पानी को सेव करके एरिया में बता रखा है कि श्रृंगावेरापुरा, ठीक है, श्रृंगावेरापुरा में क्या होता था, पानी को सेव किया जाता था और बेसिकली अलग अलग चैनल से खेतों में भेजा जाता था। तो देखो पहले भी हम एक स्ट्रक्चर बनाया था हमने ऐसा कि ताकि पानी का यूज़ किया जा सके और उसको सेव किया जा सके, ठीक है। और अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य जी के टाइम की बात करें, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी जो डैम्स थे, लेक्स थे, इरिगेटेड सिस्टम था, वो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, ठीक है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी क्या था, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो करी गई थी ताकि पानी को सेव किया जा सके और इरिगेशन में यूज़ किया जा सके उसका, और भी दूसरे पर्पज़ इसके लिए यूज़ किया जा सके। और आज भी हमें बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी डैम और लेक बनाए गए थे, ठीक है। आज की तरह बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थे, मतलब थे एडवांस, बहुत एडवांस थे, बट ऐसे नहीं कि उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, वैसा वाला नहीं था सिस्टम, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ द सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क
हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन दी कलिंगा. कलिंगा आपको पता ही है उड़ीसा के अंदर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटका और अपना महाराष्ट्र का कोल्हापुर, इन सारे के सारे एरिया के अंदर भी हमें इरीगेटेड वर्क देखने के लिए मिला है. सोफेस्टिकेटेड मतलब पुराने टाइम में हमें ऐसे एविडेंस मिले हैं कि पुराने टाइम में भी भाई इरीगेशन सिस्टम के लिए अच्छे से कैनाल्स वगैरह बनाए जाते थे. तो ये सारी की सारी मतलब पानी के, वाटर के जो इम्पोर्टेंस होते हैं ना, लोगों को पहले भी पता था, ठीक है जी. चलो ये हमें पता चल गया. और 11th सेंचुरी में भोपाल के अंदर एक लेक है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है जो कि बिल्ड करी गई थी. अच्छा, आर्टिफिशियल लेक का मतलब क्या होता है? एक तो नॉर्मल लेक होती है जो नेचुरली बनी है, जो हमने नहीं बनाई, हमारे इंटरफेरेंस से नहीं बनी. जो लेक इंसान ने बनाई है पानी इकट्ठा करने के लिए, उसको हम आर्टिफिशियल लेक कहते हैं, ठीक है. तो माना जाता है कि 11th सेंचुरी, बहुत पुरानी बात है, 11th सेंचुरी में वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी उस टाइम पे, ठीक है. और 14th सेंचुरी में भी हौसकास के अंदर क्या था, दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्ट करी गई थी, ठीक है, पानी को सप्लाई करने के लिए. श्री फोर्ट आप, आई होप आपको पता है, श्री फोर्ट दिल्ली के अंदर एक एरिया है, ठीक है. तो ये इल्तुतमिश ने कंस्ट्रक्ट करी थी. इसको पढ़ा होगा आपने 8th, 9th या 7th क्लास में पढ़ा होगा. तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, वाटर को सप्लाई करने के लिए श्री फोर्ट एरिया में एक, ये अपने मतलब इल्तुतमिश के टाइम में ही कंस्ट्रक्ट किया गया था ताकि वाटर को सप्लाई किया जा सके श्री फोर्ट वाले एरिया में जहाँ पर पानी की किल्लत थी. तो मतलब वाटर को लेकर हम पहले से ही बहुत ज़्यादा मैनेज को ले, मतलब वाटर को सेव करने के लिए और मैनेज करने के लिए हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा सही चल रही है इस मामले में, ठीक है. और आज के टाइम में भी आपको पता है, आज तो हम डैम बना रखे हैं हमने, और वो डैम क्या है, वो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट है. वो सिर्फ पानी को उसके लिए नहीं, खेतों के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी, और साथ ही में एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, फ़िश ब्रीडिंग के लिए, इनलैंड नेविगेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए डैम्स का यूज़ किया जाता है. तो डैम्स का मतलब क्या होता है, पता ही आपको मैंने बता दिया कि डैम जो होता है एक बैरियर होता है जो रिवर पर बनाया जाता है, मतलब रिवर के बिल्कुल बीच, रिवर पर बना दिया, जैसे रिवर है तो उस पर डैम बना दिया. जैसे कि मान लो ये रिवर थी तो इस पे यहाँ डैम बना दिया, ठीक है. तो ये बनाया जाता है और एक रिजर्वायर क्रिएट हो जाता है, लेक क्रिएट हो जाती है, इंपाउंडमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है. और जो आज के डैम है, पुराने टाइम में तो ज़्यादातर जो डैम है वो इरिगेशन के लिए यूज़ किए जाते थे, है ना, बेसिकली इरिगेशन के लिए और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था. बट आज जो डैम है वो इरिगेशन खेतों के लिए तो यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर पर्पस में तो यूज़ किया जाता है, साथ ही में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने के लिए भी, डोमेस्टिक एक जगह से दूसरी जगह कहाँ पर, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी, और साथ ही में फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी. अच्छा, मैं आपको बता दूँ, फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी डैम का यूज़ किया जाता है, ठीक है. माना जाता है कि फ्लड को भी डैम जो है वो कंट्रोल कर पाता है. अब हमेशा नहीं कर पाता, और ये कुछ नेगेटिव भी है, मैं आपको बता दूँ. बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक्चुअल में बहुत बार जो डैम्स है वो फ्लड को कंट्रोल करने में क्या होते हैं, एक तरह से फेल हैं, ठीक है. इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो जब हम पढ़ेंगे ना कि डैम्स के क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट है, तब आपको पता चलेगा, ओके. और साथ ही मैं बता दूं कि रिक्रिएशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पर एक तरह से बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, मतलब एक तरह से वहाँ पर पानी है. तो देखो एक बात मैं आपको बता दूं, आपने ना इंडस वैली सिविलाइजेशन सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं. सबसे पहले ना माना जाता है कि ज़्यादातर लोगों ने इंडस एक रिवर है, आपको बताइए, सिंधु रिवर जिसको बोला जाता है हिंदी में, इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है, वहाँ पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया. तो एक चीज़ बहुत याद रखना कि जहाँ पर पानी होता है ना वहीं पर लोग रहते हैं. आप अगर देखोगे ना हमारे नदन इंडिया है ना, वहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं. जम्मू कश्मीर में कम रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कम रहते हैं. क्यों जी? क्योंकि वहाँ पर पानी की थोड़ी सी किल्लत है, ठीक है. मतलब वहाँ पर एक तो एनवायरनमेंट है और ऊपर से पानी का इतना ज़्यादा वो नहीं है, सही सिस्टम नहीं है. बट हमारे नदन इंडिया में बहुत सही है पानी का सिस्टम, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन मिलती है. राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी वहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं रहते, पानी की किल्लत, ठीक है. तो यही है रिक्रिएशन वहाँ पर, और भी ज़्यादा चीज़ें जैसे इंडस्ट्रियल वर्क होना, वहाँ पर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है रिक्रिएशन से, ये कहने का मतलब है. इनलैंड नेविगेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि रिवर का फ्लो बहुत तेज़ होता है बट डैम बनाने से थोड़ा धीरे हो जाता है. और फिश ब्रीडिंग के लिए भी, मतलब मछलियों को पालने के लिए भी, है ना, एक एरिया में अब इकट्ठा हो गया तो वहाँ पर फिश ब्रीडिंग भी कर सकते हो आप, ये सारी की सारी चीज़ें.
ओके। और जो डैम होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी उनको अलग अलग उसमें बांटा गया है, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई किया गया है। जैसे जो मटेरियल यूज़ किया जाता है तो उसमें टिम्बर डैम भी होता है। अच्छा टिम्बर डैम क्या मतलब क्या होता है, टिम्बर लकड़ी के भी उस टाइम डैम बनाए जाते थे और टिम्बर डैम कहा जाता है उसको, ठीक है। और एम्बार्कमेंट डैम एम्बैंकमेंट डैम्स भी होते हैं हमारे, मौसनरी डैम भी होते हैं, मैसनरी डैम भी होते हैं, ठीक है। और भी सब टाइप होते हैं, इनके नाम याद रखना, बस तीन नाम याद रखना है, टिम्बर डैम, ठीक है, एम्बैंकमेंट डैम्स और मैसनरी डैम्स, ठीक है। चलो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। और उनकी हाइट्स के अकॉर्डिंग भी उनको कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि कुछ होते हैं हमारे हाइट के अकॉर्डिंग लो डैम होते हैं, मीडियम हाइट के डैम होते हैं और हाई डैम होते हैं, ठीक है। तो ये डैम का क्लासिफिकेशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फिर भी नाम याद रख लेना, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और डैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो हमारे जवाहरलाल नेहरू है ना, मैं आपको बता दूँ, हमारे पड़ोस में एक कंट्री है, ठीक है, उसका नाम है पाकिस्तान। आपको पता है वहाँ पर जो है वो उनको है ना डर है हमारे से, ठीक है। ये डर नहीं है कि हम उन पर हमला कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे शुरुआत कभी नहीं करते, ठीक है। बट उनको पता डर क्या है कि हम उनको पानी रोक देंगे, क्योंकि उन बेवकूफ़ों ने आज तक मतलब इतने ज़्यादा डैम क्रिएट ही नहीं करे, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, हर कंट्री के पास है ना वाटर रिज़र्व होता है, हमारी कंट्री में भी वाटर रिज़र्व है, अमेरिका में, हर कंट्री में, उनके पास वाटर रिज़र्व से 30 दिन का, यानी अगर हमने पानी बंद कर दिया हो 30 दिन तक या 100-150 दिनों तक सर्वाइव कर पाएंगे, उसके बाद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने हमारे जैसे हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमने डैम बनाने पर बहुत ध्यान दिया, ठीक है। ऑल्दो उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है, वो भी हम देखेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रोक्लेम किया था कि डैम एज द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया, जो डैम है वो एक तरह से टेम्पल है हमारे मॉडर्न इंडिया का। ऐसा उन्होंने क्यों बोला था, ऐसा उन्होंने इसलिए बोला था कि डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी रैपिडली रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी, इन सब की सब के लिए हमें डैम्स की ज़रूरत पड़ेगी। एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के लिए तो पड़ेगी, मैंने आपको बता दिया कि जो डैम्स है वो पानी इकट्ठा होता है, उसको कैनाल्स के थ्रू एग्रीकल्चर लैंड पर भेजा जाता है। विलेज की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए है ना, विलेज पे मान लो पानी वगैरह नहीं है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो मॉनसून पे डिपेंड रहते हैं, तो अब उनको पानी मिल पाएगा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा क्योंकि इंडस्ट्री में भी पानी की ज़रूरत होती है, और कहीं ना कहीं अर्बन इकोनॉमी की भी ग्रोथ होती रहेगी। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, हमारे डैम्स को टेम्पल ऑफ ई मॉडर्न इंडिया कहा था। जब मैं इसके MCQ अपलोड करूँगा तब आपको बहुत अच्छे से एक एक मार्क्स से क्वेश्चन कवर कराऊँगा, ठीक है। चलो इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इस चैप्टर में एक और चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डैम्स के जो मैप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, पहले मेरी बात सुन लो आप, कि डैम्स की मैं अलग डैम के जो मैप किया है वो अलग से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। सिर्फ डैम के मैप नहीं है, ये पूरा वाटर रिजर्व की, क्योंकि आपको पता है इसके मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी मैंने अलग से वीडियो अपलोड करी है। सारे के सारे डैम्स को याद रखने का तरीका बताया है, सारी लेक्स बताई है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाई है। तो उस मैप का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो गलती से भी देखना, मतलब ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ, देखना वो ज़रूर देखनी है आपको, ठीक है। बाकी मैं बता दूं कि एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, बट मैं इसको यहाँ पर कवर नहीं करवाऊंगा क्योंकि फिर लंबी वीडियो बन जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आप अगर अपने बुक खोल के देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि जितना भी मैंने कवर करवाया ना उसमें एक एक टॉपिक कवर है, एक एक टॉपिक एक एक लाइन कवर है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना, अपने दोस्तों को रिकमेंड करना, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय, और सेव वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक है, सेव फ्रेश वाटर।